इतने सालों से आपको। लेकिन आज मैंने जब खाया तो मुझे, मैं बता नहीं पा रही कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है कि मैं आज अपने दांतों से ही एप्पल कट कर रही हूँ। कुछ भी खा सकते हो अब कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इतने सा आप जब आए होगे तब डरे हुए आए होगे कि, है ना, उस टाइम पे थोड़े से डरे हुए हाँ थे कि जी कैसे होगा इलाज, कैसा हुआ पूरा प्रोसीजर के टाइम पे। लोगों को भी दर्द का डर होता है कि दर्द लेकिन होएगा या। नहीं, मैंने RCT कराई हाँ जब नहीं था, वो भी मैंने सफ़र फेस किया। हाँ फिर जब मैंने आगे अपना वो लगाया, दांत आगे वाले लगाए हाँ थे, जी, ब्रिज ब्रिज वगैरह। लगाया, हाँ तो जी भी मैंने सफ़र किया। रात को बच्चों के सामने भी बहुत शर्म सी आती थी, उतार के सोना, कोई आना तो पहले खिड़की से झांकना, कोई आया है तो फटाफट लगा लो, पहले बच्चों को बोलना देखो कौन है। तो ये सब ये सफ़र सारी किया दिक्कत मैंने, ये सब दिक्कत। बहुत और सालों अब जब से मैं आपको रात को सोती सुना। हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मैंने नहीं उतारने अपने। अच्छा लगता है, यानी ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी कैसी रही, फिक्स दांत की जर्नी जो यहाँ पे जब शुरू हुआ और एंड तक? अच्छा है। नहीं, लोगों, आप डरे हुए आए थे तो उतना दर्द होता है या हाँ, कुछ दर्द तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैंने आगे सफ़र किया उसके सामने तो ये उसके कुछ भी नहीं कंपैरिजन में था, तो? ये तो कुछ भी हाँ, नहीं था। ब्रिज और रूट और कैनाल उसके साथ में। साथ मुझे ये भी खुशी थी कि जब मेरे पूरे लग जाएंगे हमेशा के लिए, मेरा ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो अंदर से अपने आप ही मेरे को थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस आ गया स्माइल करने में? अब खुल के हंसते हो कि अभी भी छुपाते हो आप? आ गया, अब आ आ गया। गए, चलिए, अच्छी बात है। भैया को पसंद आए जो हाँ आपको यहाँ पे भैया लेके आए, उनको पसंद आने चाहिए थे। टू नहीं, सेटिस्फाई अ डेंटिस्ट इज द मोस्ट भैया तो बहुत डिफिकल्ट। पीछे पड़े हुए थे, वहीं से ही करवाना है, वहीं से राइट ही भाई, करवाना मैं है। उनको सेटिस्फेक्शन देना इज समथिंग की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। उल्टा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी नहीं, आप बदौलत ही भी तो, बहुत अच्छे पेशेंट रहे हो। आपकी बदौलत ही तो मेरे को ये दांत मिले हैं, और किसकी बदौलत मिले हैं।